हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 35 है और पिछले वीडियो में हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज, इन सभी एंट्रियों को कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ हमने टोटल 12 मंथ की एंट्री को भी कंप्लीट कर लिया है। जो एक बिजनेस में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं, उन सभी एंट्रियों को हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिपोर्ट चेक करेंगे कि रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, यानी कि एक बिजनेस में जितनी भी एंट्रियाँ हैं, किसको हमें कितना अमाउंट देना है और किससे कितना अमाउंट लेना है, ये सारी रिपोर्ट आज की इस वीडियो में चेक करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। उसके लिए यहाँ पर हमने नोट्स में जितनी भी एंट्रियाँ की हैं उसका हमने यहाँ पर डे बुक दिया है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे हमने अपने नोट्स में ही मेंशन कर दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमने लेजर यूज किए हैं, जितने भी लेजर हमने बनाए हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पर दी गई है और इसको टैली में हम किस तरीके से देखते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में एंट्री की थी उस वाले ट्रायल बैलेंस है, और हमने जो नोट्स में अपना ट्रायल बैलेंस मेंशन किया है इस वाले ट्रायल बैलेंस से हम यहां पर मैच करते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है कि नहीं। तो उसके लिए यहां पर हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को हमने ओपन कर लिया है और यहां पर जो कैश स्टडी वन है, ये हमारी कंपनी है और पिछले वीडियो में हमने 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग एंट्रीज, इन सभी एंट्रियों को कंप्लीट कर लिया था। अब यहां पर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस देखना तो पता ही होगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं। तो यहां पर गेटवे ऑफ टैली में आना है, यानी कि जिस भी कंपनी में हमने एंट्री की है, जिस भी एंट्री का हमको ट्रायल बैलेंस देखना है, वो हमें यहाँ पर ओपन करनी है। उसके लिए जो कैश स्टडी वन कंपनी है, इसी कंपनी में हमने सारी एंट्री की है और इस कंपनी को हमने यहाँ पर ओपन भी कर लिया है। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और हमको ट्रायल बैलेंस देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस हमारा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। और ट्रायल बैलेंस पर हम क्लिक कर देंगे, हमारे सामने ट्रायल बैलेंस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसको हमें फुल डिटेल में ओपन करना है, तो अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर फुल डिटेल में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मैच करते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, जिसमें हमने एंट्रियाँ की थी, कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट हमारा 4,95,089 रुपये यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ रहा है। और इसके साथ साथ जो करंट लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ हमारा 49,110 रुपये आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स में, जो हमने वहाँ पर मेंशन किया है, तो उसके लिए नोट्स को ओपन करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल अकाउंट है ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पर 4,95,089 रुपये यहाँ पर भी आ रहा है और करंट लायबिलिटीज भी 49,110 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर सही हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट लायबिलिटीज, ये दोनों हमारे यहाँ पर सही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट दिया गया है, ये 81,099 रुपये हैं, और यहाँ पर जो करंट एसेट है, करंट एसेट हमारा 4,63,100 रुपये है, जो हमने नोट्स में ट्रायल बैलेंस मेंशन किया है। अब टैली को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, जो फिक्स्ड एसेट है 81,099 रुपये हमारी फिक्स्ड एसेट है, और इसके साथ साथ जो करंट एसेट है 4,63,100 रुपये करंट एसेट यहां पर हमारी शो हो रही है। अब इसमें हमको कैश और बैंक मैच करना है, तो यहां पर जो हमारा करंट एसेट है, जो यहां पर करंट एसेट वाला तो टोटल अमाउंट सही आ रहा है, लेकिन यहां पर जो कैश इन हैंड दिया गया है 3,26,700 रुपये, ये इसमें है, और इसके साथ साथ जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हमारा 67,400 रुपये शो हो रहा है। फिर यहाँ पर हम नोट्स को ओपन करते हैं और इसमें कैश को चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो कैश है 3,26,700 रुपये कैश हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, और इसके साथ साथ बैंक जो है, बैंक हमारा 67,400 रुपये शो हो रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा ट्रायल बैलेंस अभी सही है। फिर इसके बाद हम नीचे यहाँ पर मैच करते हैं। अब नीचे जो मैच करना है डायरेक्ट इनकम, कि टोटल हमारी इनकम कितनी हुई है, तो एक साल में जो टोटल इनकम हुई है 5,65,000 रुपये की टोटल इनकम हुई है यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर जो खर्चे हैं, खर्चे हमारे 3,45,411 रुपये खर्चे हैं। अब आते हैं हम ट्रायल बैलेंस को ओपन करते हैं टैली में। टैली में ओपन किया और यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम 5,65,000 रुपये डायरेक्ट इनकम शो हो रहा है, ये भी सही है। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है
349,411 रुपये ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सही है। और इसके साथ साथ जो ग्रांट टोटल है डेबिट साइड में 11,09,199 रुपये है और इतना अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में है, दोनों हमारे बराबर हैं। और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो हमने मैच किया है, ट्रायल बैलेंस जो नोट्स में मेंशन किया है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर सही हैं। यानी कि जो टोटल ट्रायल बैलेंस है, पूरा ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर सही है। ट्रायल बैलेंस को तो हमने यहाँ पर मैच कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं डे बुक जो हमने पिछले वीडियो में एंट्री की थी। तो यहाँ पर डे बुक को ओपन करेंगे और पिछले वीडियो में हमने जो एंट्री की थी वो 31 मार्च में की थी। और यहाँ पर डे बुक में जितनी भी एंट्रियाँ हैं, जो हमने प्रोविजन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, डिप्रिसिएशन एंट्रीज की थी, वो सारी हमने 31 मार्च पर ही की थी। और यहाँ पर हमारी सारी एंट्रियाँ शो हो रही हैं 31 मार्च में, और सारी एंट्रियाँ हमने जर्नल वाउचर की थी। तो यहाँ पर हम अपना डे बुक भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो डे बुक हम देख रहे हैं ये हमारा 31 मार्च का है। मान लीजिए हम 1 मार्च और 31 मार्च दोनों के यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमको अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 1/3/2021 टाइप कर, यानी कि जिस डेट से हमको डे बुक देखना है वो डेट हमको फॉर्म में फिल करनी है, और टू में जिस डेट तक हम देखना चाहते हैं वो हमको टाइप करनी है। तो 1/3/2021 डालेंगे, ये हमारी 1 मार्च की डेट है कि 1 मार्च से 31 मार्च तक हम अपना डे बुक देखना चाहते हैं कि किस डेट को कौन सी एंट्री की। डेट यहाँ पर टाइप करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर जो एंट्री हमारी शो हो रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मार्च की एंट्रियाँ हैं और यहाँ से लेके 31 मार्च की एंट्रियाँ हैं। तो इस तरीके से डे बुक में जितनी भी एंट्रियां होती हैं उनको हम देख सकते हैं। अगर आप लोग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च टोटल 12 मंथ की एंट्रियां देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहां पर अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करना है। और यहां पर हमको टाइप करना है 1/4/2020, क्योंकि जो एंट्रियाँ हमने करनी स्टार्ट की थी वो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो था 1 अप्रैल 2020 था। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2020 ही डालेंगे, और लास्ट डेट जो थी 31 मार्च 2021 थी, वो डेट हमारी यहाँ पर पहले से ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने डेट तो बदल ली, डेट हमने डाल ली 1/4/2020, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और 31 मार्च टोटल 12 मंथ की एंट्री चेक करनी है, ये डेट हमको यहीं पर रखनी है, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी एंट्रियाँ हैं, ये टोटल एंट्रियाँ हमारी यहाँ पर 12 मंथ की एंट्रियाँ यहाँ पर शो हो गई। तो इस तरीके से जिस भी मंथ की एंट्री देखना चाहो उस मंथ की एंट्री देख सकते हो। अगर केवल हम 31 मार्च की एंट्री देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F2 बटन केवल प्रेस करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे 31/3/2021 और इंटर कर देंगे। अब हमारे सामने यहां पर केवल 31 मार्च की ही एंट्री दिखाई देती है। अगर हमें 2-3 मंथ की साथ में देखनी हो तब हम अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करते हैं, और केवल 1 मंथ की देखनी हो तब हम F2 बटन प्रेस करते हैं। तो यहां पर हमने ट्रायल बैलेंस डे बुक को तो चेक ही कर लिया, फिर इसके बाद जो है कैश फ्लो है। कैश फ्लो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कैश को देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस में किस मंथ में कितना कैश आया है और किस मंथ में कितना कैश गया है और किस मंथ में टोटल कितना कैश बचा हुआ है। तो यहाँ पर हर मंथ दिए गए हैं, जिस मंथ में जितनी भी एंट्रियाँ की थी टोटल यहाँ पर कैश हमारा दिया गया है। इनफ्लो का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश बचा, आउटफ्लो का मतलब है कि हमारे बिजनेस में एक मंथ में कितना कैश गया, नेट फ्लो का मतलब है किस मंथ में कितना यहाँ पर अमाउंट हमारा बचा हुआ है। जैसे कि अप्रैल का अगर देखना है तो अप्रैल में हमारे बिजनेस में जितना कैश आया था 3,25,000 रुपये हमारे बिजनेस में आया था। आउटफ्लो का मतलब होता है उस मंथ में 1,19,750 रुपये हमारे बिजनेस से कैश गया था, और टोटल जो कैश बचा था हमारा 2,05,250 रुपये टोटल कैश बचा था। इसी तरीके से हर मंथ में जितना कैश आया है वो यहाँ पर दिया गया है, और जितना कैश गया है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मार्च का ही ले लेते हैं, तो मार्च में जो कैश आया था 30,000 रुपये कैश हमारे बिजनेस में आया था, और आउटफ्लो 32,850 रुपये हमारे बिजनेस से गया था। यानी कि कैश कम आया था और गया ज़्यादा था, इसीलिए यहां पर माइनस में 2,850 रुपये शो हो रहे हैं। तो यहां से हम टोटल देख सकते हैं। अगर हमें टोटल देखना है कि हमारे बिजनेस में टोटल अमाउंट कितना आया है, टोटल कितना गया है और टोटल कितना बचा हुआ है, तो ग्रांट टोटल यहां पर दिया गया है। ग्रांट टोटल में यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया गया है 10,23,550 रुपये एक साल में हमारे बिजनेस में अमाउंट आया है, यानी कि कैश आया है, और 6,29,450 रुपये हमारे बिजनेस से गया है, 3,94,100 रुपये हमारे बिजनेस में टोटल अमाउंट बचा हुआ है। तो यहाँ से हम ग्रांट टोटल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैश फ्लो को भी देख लिया कि कैश फ्लो क्या होता है और इसको हम कैसे देखते हैं। फिर इसके बाद हमको देखना अकाउंट बुक्स की, अकाउंट बुक्स में क्या है। तो
अकाउंट बुक में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लेजर वाइज देख सकते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर कैब हायरिंग का देखना है या कंप्यूटर का देखना है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कैब हायरिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल वही अकाउंट ओपन हो जाएगा कि हमने कैब हायरिंग में जो भी लेन देन किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये 31 मार्च की ही दिखाई दे रही हैं। अगर हमको टोटल एक साल में देखना हो तो उसके लिए अल्ट एफ टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1/4/2020, फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इंटर बटन प्रेस किया हमको पता चल जाएगा कि राज ट्रेवल से हमने क्या क्या खरीदा, क्या क्या दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पता कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लेजर वाइज चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको बाउचर वाइज चेक करना कि कंट्रा बाउचर में कितना हमने लेन देन किया, पेमेंट बाउचर में हमने क्या क्या किया, तो जिस भी बाउचर की देखनी हो उस बाउचर पर यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है और उसी बाउचर की सारी एंट्रियाँ हमारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि कंट्रा बाउचर की एंट्री किस मंथ में कितनी की हैं। अप्रैल में जैसे 2 एंट्री की थी तो 2 एंट्री शो हो रही हैं, जिस भी मंथ में जितनी भी एंट्रियाँ की हैं वो हमको यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसे पेमेंट बाउचर पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट बाउचर की एंट्रियाँ लगभग हमने हर मंथ में की हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। जैसे कि अब हमको सितंबर की देखनी तो सितंबर पर क्लिक कर देंगे और सितंबर मंथ में जितनी भी पेमेंट बाउचर पर एंट्री की थी वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बाउचर के हिसाब से देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया गया है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हमको शो मिलता है आउटस्टैंडिंग, कॉस्ट सेंटर और यहाँ पर स्टैटिक्स। अब आउटस्टैंडिंग में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि किससे हमको कितना पैसा लेना है। जैसे कि यहाँ पर रिसीवेबल्स दिया गया है, इससे हमको ये पता चलेगा इसमें जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा, यानी कि जिससे हमको पैसा लेना होगा वो चीज़ें हम रिसीवेबल्स में देखते हैं। अगर किसको हम कितना अमाउंट देना चाहते हैं वो हमको पेबल में देखना है, यानी कि किसको कितना अमाउंट हम पे करना चाहते हैं। अगर लेजर वाइज देखना हो तो यहाँ पर भी लेजर वाइज और ग्रुप वाइज देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम यही देखेंगे कि किसको कितना देना है उसका लेजर दिखाई देगा और किसको ग्रुप में ग्रुप वाइज देना है, यानी कि यहां पर केवल हम जिसको देना है वो अकाउंट देख सकते हैं, जिससे लेना है वो चीजें यहां पर हम देख सकते हैं। उसके लिए जैसे हमको रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर हमको पता चल जाएगा कि इन ग्रुप डिजाइनर से अभी हमको 12,500 रुपए लेने हैं और फोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन से हमको अभी 20,000 रुपए लेने हैं, किस डेट में हमने दिया था, किस डेट में हमको, ये सारी चीजें हमको यहां पर मिल जाती हैं। पेबल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमको पता चल जाएगा कि 1 दिसंबर 2020 की जो एंट्री थी वो राज ट्रेवल्स को हमें 6900 रुपए देने हैं और 31 मार्च 2021 की जो एंट्री है 6600 रुपए राज ट्रेवल्स को देने हैं। तो यहां से हम ये चीजें पता कर सकते हैं कि किसको कितना अमाउंट देना है। अगर कॉस्ट सेंटर वाइज देखना है तो कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर जिसकी भी कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाई है वो सारी चीजें यहां से हम देख सकते हैं, यानी कि कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग हम यहां पर देख सकते हैं। अगर स्टैटिक्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर हमको ये पता चल जाता है कि किस बाउचर में कितनी एंट्री हमने की हैं। जैसे कि कंट्रा बाउचर में टोटल हमने 7 एंट्री की हैं, इसी तरीके से यहां पर जनरल बाउचर में टोटल हमने 29 एंट्री की हैं और इसी तरीके से यहां पर पेमेंट बाउचर में टोटल हमने 98 एंट्री की हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर हम पता कर सकते हैं कि किस बाउचर में कितनी एंट्री हमने यहां पर की हैं। तो इस तरीके से एक ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, डे बुक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करने के लिए यहाँ पर हमको क्लिक करना है जो यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इसको हम फुल डिटेल में देखना चाहें तो अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा टोटल फुल डिटेल में आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है ये टोटल एक साल का आया है कि एक साल में हम अपने बिजनेस में जितना भी लेन देन किए हैं टोटल 12 मंथ की जो एंट्रियाँ की हैं वो सारा हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम जो हुई हमारे बिजनेस में 5,65,000 रुपये की टोटल इनकम हुई है जो यहाँ पर शो हो रही है, और जो हमने एक साल में अपने बिजनेस में खर्चे किए हैं 3,49,411 रुपये के हमने टोटल यहाँ पर खर्चे किए हैं। फिर यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है यानी कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर 2,25,589 रुपये का टोटल हमारे बिजनेस में एक साल में प्रॉफिट हुआ है।
ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगी कि प्रॉफिट निकलता कैसे है। तो जो हमारी टोटल इनकम है, जैसे कि मान लो एक साल में जो इनकम हुई है 5,65,000 रुपए की इनकम हुई है, इस इनकम से हमारे बिजनेस में जितने एक साल में खर्चे हुए हैं उन खर्चों को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 5,65,000 से हम 3,45,411 रुपए माइनस कर देंगे, फिर जो हमारा टोटल अमाउंट बचेगा 2,25,589 रुपए, यही हमारा टोटल नेट प्रॉफिट होता है। यहाँ पर लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि इनकम ज़्यादा हुई है, खर्चे कम हुए हैं, तो लॉस नहीं हुआ। अगर खर्चे ज़्यादा करते, इनकम कम करते, फिर जो बचता हमारा वही हमारा लॉस हो जाता। मान लीजिए हमारे बिजनेस में एक साल में टोटल 6,00,000 रुपए के खर्चे हो जाते, टोटल 6,00,000 रुपए के जब खर्चे होते और जो इनकम मान लो 4,00,000 रुपए की होती, फिर यहाँ पर जो 2,00,000 रुपए बचता वही हमारा लॉस हो जाता। तो इस तरीके से लॉस को हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ गए होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे चेक करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है, यहाँ से हम बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं कि बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट कितनी है, करंट एसेट कितनी है, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कितनी है, और यहाँ पर भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल रिपोर्ट तो चेक कर ली, लेकिन अब हमको यहाँ पर देखना है, नोट्स में आते हैं कि जितने भी एक साल में हमने लेजर यूज किए हैं, जितने लेजर हमने बनाए हैं, उनकी लिस्ट अगर देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है और हमको लेजर देखना है, तो लेजर पर क्लिक कर देंगे। लेजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको सारे लेजर मिल जाएंगे, जितने भी लेजर हमने एक साल की एंट्री में यूज किए हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर हमको मिल जाएगी, और जो हमने नोट्स में दिए हैं यही हमारे वहाँ पर भी लेजर हैं। तो यहाँ से हम लेजर की लिस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने एक साल में जितनी भी एंट्रियाँ की हैं उनकी रिपोर्ट हमने चेक कर ली कि रिपोर्ट चेक कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर भी कुछ और चीज़ें रह गई हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जैसे कि एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस विथ ऑल मास्टर्स, क्रिएट ए न्यू कंपनी फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, ये चीज़ें अभी बची हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, तो ये चीज़ें वही होती हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर टोटल हमने एक फाइनेंशियल ईयर की सारी एंट्रियाँ कंप्लीट कर ली। मान लीजिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2021 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चला, 31 मार्च 2021 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चला, यानी कि टोटल हमने एक साल की एंट्री कंप्लीट की, फाइनल रिपोर्ट भी चेक कर ली। अब उसके बाद जो हम एंट्री करेंगे, उसके बाद जो भी हम एंट्री करेंगे वो नए फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, तो हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। और हम अपने बिजनेस की जितनी भी एंट्रियां करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद हम नए फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, क्योंकि एक ही कंपनी में हम कई फाइनेंशियल ईयर की एंट्री नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक अलग ही कंपनी बनाते हैं। तो जब हम अलग कंपनी बनाएंगे तो हमने इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी हमने की हैं इसमें जितने भी लेजर बनाए हैं, अगर हम नई कंपनी बनाएंगे तो उसमें हमारे वो लेजर नहीं जाएंगे, उसमें हमारे लेजर नहीं जाएंगे और वहाँ पर एंट्रियाँ हमारी इस वाले लेजर में हमें फिर वहाँ पर बनानी पड़ेंगी, यानी कि उसमें लेजर नहीं जाएंगे जो हम नई कंपनी बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस विद ऑल मास्टर, यानी कि जितने भी लेजर हमारे 2020 के फाइनेंशियल ईयर में हैं उन सभी लेजर को हमें एक्सपोर्ट करके एक नई कंपनी बनानी है और उस वाले कंपनी में ये सारे हमको लेजर वहाँ पर इंपोर्ट करने हैं। तो ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसके आगे का वीडियो जरूर देखिएगा। वहाँ पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस क्या होता है इसको देखेंगे, और उसके साथ साथ हम एक न्यू कंपनी बनाएंगे और उसमें टोटल हम एक मंथ की फिर एंट्री करेंगे कि वहाँ पर हम कैसे करते हैं। जब हमारा एक साल का फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है और हम एक नया फाइनेंशियल ईयर में अपने बिजनेस का जो वर्क करेंगे वो हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।